हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी, आप लोग का एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। चलिए आज बनाते हैं महाराष्ट्र की एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश मसाला भात। मसाला भात वैसे तो बहुत लोग सब्जियों के साथ बनाते हैं, लेकिन हम आज बहुत ही कम सब्जी के साथ स्पेशल मसाले के साथ बनाएंगे। जरूर से ट्राई करिएगा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला भात कैसे बनाते हैं। मसाला भात बनाने के लिए सबसे पहले एक स्पेशल सा मसाला हम तैयार करेंगे, और उसके लिए हमने गैस पर चढ़ा दिया है एक पैन। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पोस्ता दाना, 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच व्हाइट वाले तिल, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च के दाने। इनको हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छा इस मसाले का फ्लेवर आता है मसाला भात में। हम इसमें ज्यादा सब्जियां डाल के आज मसाला भात नहीं बनाएंगे, मसाले का, जिससे हमारा फ्लेवर बहुत अच्छे से चावलों में हमें पता चले। क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जियां ऐड कर देते हैं तो फिर वो बिरयानी जैसा लगने लगता है या फिर वेजिटेबल पुलाव लगता है, लेकिन आज हम मसाले के फ्लेवर के साथ ही मसाले भात को बनाएंगे। ये मसाला हमारा भुन रहा है। मसाला देखिए हमारे अच्छा से भुन गया है। 2-3 से 4 मिनट हमने इसे लो मीडियम आंच पे चलाते हुए भून लिया है। अब गैस हम कर दे रहे हैं बंद, और मसाले को हम एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। मसाला भात का मसाला हमने तैयार कर लिया इस तरह से पीस कर, और इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब गैस पे रखते हैं एक पैन, और इसमें हम डालते हैं 1/2 चम्मच के करीब देसी घी। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस 1/2 चम्मच देसी घी। और इसमें हम डाल देंगे 10 से 12 काजू के टुकड़े। इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए काजू भी हमारे भुन गए हैं। अब हम इसको अभी एक साइड में रख देते हैं। मसाला भात बनाने के लिए हमने बासमती राइस लिया है, और इसी राइस से आप बनाइएगा तभी बहुत अच्छे लंबे लंबे बनके तैयार होते हैं। ये हमारा 1 गिलास, इस वाले गिलास से 1 गिलास हमारा ये राइस है। इसको हमने 1/2 घंटा धो के भिगो के छोड़ दिया था, और हमारा 1 गिलास राइस था तो हम 1 गिलास भर के ही इसमें पानी डालेंगे। अभी हम चावल को एक साइड में रख देते हैं, और गैस पे चढ़ाते हैं कुकर, और इसमें हम डालते हैं 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी हमारा गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे जीरा। इसमें हम डाल देते हैं जीरा, और जीरे के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप हमने प्याज काट के रखा हुआ है, बारीक काटा है प्याज, 1 कप प्याज। हम इसमें बहुत सारी सब्जियां आज नहीं ऐड करेंगे, केवल हम आलू और प्याज से ही मसाला भात बना रहे हैं। प्याज को हम चला देते हैं, इसको लाल नहीं करना है, तो 1-1.5 मिनट इसको हम चला लेते हैं। ये देखिए हमारा प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं, हमने 1 बड़े साइज का आलू काट के रखा हुआ है, बहुत छोटे नहीं काटना है, इस तरह से ये साइज आप देखिए। इसमें आलू भी डाल देती हूँ, आलू को भी 1-1.5 मिनट ऐसे चलाते हुए भून लेते हैं प्याज के साथ। आलू को भी डाले हुए 1-1.5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच कद्दूकस करी हुई अदरक, और इसी के साथ डाल देंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला, 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ये चावल को धो के भिगो के रखा हुआ है।
ध्यान रखिएगा, चावल डालने के बाद हम बहुत ज्यादा इसको नहीं चलाएंगे, वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। चावल हमने बस जरा सा चला दिया है और अब हम इसमें डालेंगे, हमारा एक गिलास चावल था तो उसी गिलास से नाप के एक गिलास पानी। इससे ज्यादा पानी मत डालिएगा, बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे। ये हमने उसी गिलास से एक गिलास भर के इसमें डाल दिया है पानी। और अब बारी आती है हमारे उस मसाले की, जो हमारे मसाले भात का मेन हीरो है। ये देखिए, उस सारा मसाला जो हमने भून के रखा था पीस के, वो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ चावल हमारे एक एक दाना खिले रहे, उसके लिए हम इसमें डालेंगे 4 से 5 दाने या 1/4 टीस्पून समझ लीजिए चीनी के दाने, जिससे हमारे चावल बिल्कुल एक एक दाना खिले बनेंगे। और 2 से 3 ड्रॉप नींबू का रस, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया। और लास्ट में बारी आती है नमक की, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। बहुत अच्छा ये मसाला भात बनके तैयार होगा। अब इसको एक बार हम अच्छे से और चला देते हैं हल्के हाथों से, और कुकर को हम बंद कर देंगे। चावल हमारे आधा घंटा भीगे हुए थे, इसलिए हमको इसमें बस एक सीटी आएगी और हम गैस को बंद कर देंगे। सब चीज हमने इसमें चावल में मिला दिया है, अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और बस एक सीटी आने पर हम गैस को बंद कर देंगे। एक सीटी आ गई है, गैस को हमने कर दी है बंद और इसका प्रेशर निकल जाएगा, फिर हमारा मसाला भात बनके रेडी है। प्रेशर हमारा निकल गया है और अब हम कुकर को खोल के देखते हैं हमारा मसाला भात कैसे रेडी हुआ है। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला भात लग रहा है। एक एक दाना चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला हुआ बना है। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने ये काजू को देशी घी में भून के रखा था, काजू मिला देते हैं इसमें और इसको नीचे से ऊपर तक एक बार अच्छे से हम चला देते हैं। अब हम इसको करते हैं सर्व। ये देखिए कितने बढ़िया एक एक दाना खिला हुआ हमारे मसाला भात रेडी है। जरूर से बनाइएगा मेरी रेसिपी से एक बार, बिना सब्जी के। सोली हमने कोई भी सब्जी इसमें ऐड नहीं करी है, बच्चों को बहुत सब्जी नहीं पसंद आती है, केवल आलू और प्याज डाल के हमने ये मसाला भात रेडी किया है। खाने में बहुत टेस्टी है। और ध्यान रखिएगा, आप जितना चावल लीजिएगा उतना ही पानी और चावल को आधे घंटे के लिए भिगो के रखिएगा, और एक सीटी आए और आप गैस को बंद कर दीजिएगा। चावल बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, बहुत अच्छा सा मसाला भात बनके रेडी होगा। मसाला भात खाने के लिए रेडी है। इस पे डाल देते हैं हम थोड़ा सा हरा धनिया और बस इसको आप दाल मखनी के साथ, दही के साथ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना बढ़िया मसाला हमने बना के डाला है तो ज्यादा हमें इसको साथ कुछ भी खाने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में ही एक फुल मील होता है। जरूर से बनाइएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।